गाइस, मैं हूँ कोमल और आपका स्वागत है मेरे चैनल कोमल्स ब्यूटी में। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ फ्लिपकार्ट हॉल। जी हाँ गाइस, मैंने आप लोगों के साथ अभी अभी फिलहाल में फ्लिपकार्ट हॉल शेयर किया है, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लीजिएगा। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक फ्लिपकार्ट हॉल लेके आ गई हूँ। तो कुछ आइटम मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। थोड़े से आइटम है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो बस आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक फ्लिपकार्ट हॉल लेके आ गई हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं आप लोगों को अपना फ्लिपकार्ट हॉल दिखाऊं, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये जो मेकअप लुक है वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अब तक तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ये फेस्टिवल मेकअप लुक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, नहीं तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को फ्लिपकार्ट के आइटम दिखाती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले ये है ब्यूटी ब्लेंडर। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर मंगाए थे क्योंकि मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर बेकार हो चुके हैं, हैवी है काफ़ी और कुछ बेकार हो चुके हैं। तो मैंने कुछ ब्यूटी ब्लेंडर्स मंगाए हैं जिसमें मुझे ये 6 मिले थे, ठीक है। अभी आप लोगों को 5 दिख रहे होंगे, एक मैंने यूज़ किया है इस मेकअप लुक के साथ ही, मैंने इसको यूज़ किया है जिसका मैं रिव्यू दूंगी आप लोगों को, बताऊंगी कैसा है। बट ये जो आप देख सकते हो, ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर मंगाए हैं, दिखने में बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज भी ठीक ठीक है, मतलब ओके है, बहुत ज़्यादा हाई रेंज वाले नहीं हैं, ठीक है, ओके वाली चीज़ है। बाकी जिसमें आप ये जो 5 देख रहे हो, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें जो आप ये वाले देख रहे हो ना, ये वाले 5, एक ये 3 और ये वाला ये एक ही क्वालिटी वाले हैं, ठीक है। इनका स्पॉन्ज एक ही क्वालिटी का है, बट जो आप ये पर्पल वाला देख रहे हो, जो जिसकी शेप कुछ इस तरीके से है, इसकी ना जो स्पॉन्ज है वो थोड़ी रफ टाइप में है। बाकी मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन जिस दिन यूज़ करूँगी उस दिन आपको बताऊँगी ज़रूर। इसकी थोड़ी रफ़ टाइप में है, बाकी मैं यूज़ करके देखूँगी। और सॉफ्ट हैं बहुत सारे, जिसमें से मैंने ये कभी यूज़ किया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइज़, ये वाला मैंने अभी भी यूज़ किया है इस मेकअप लुक के साथ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब ये ड्राई रहेगा तो इतना साइज़ रहेगा इसका, और जब आप इसको डैप कर लेंगे, पानी में सोक कर लेंगे, सोक करने के बाद इसका साइज़ इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों का साइज़ देख सकते हो, है ना, दोनों का साइज़ आप लोगों को दिख ही रहा है, डिफरेंस काफ़ी अच्छे से आ गया है। तो मैंने ये 6 मंगवाए हैं, एक साथ ही आए थे ये 6, ये ब्यूटी ब्लेंडर मंगवाए हैं, तो इसका रिव्यू मैं बहुत जल्दी दूंगी आप लोगों को। और जितने भी आइटम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, उन सबकी पिक और आपको प्राइस मेरे स्क्रीन पे दिख जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो गाइस, सेकंड आइटम है वो है ये पैलेट, ये ब्लश पैलेट है, ये कॉन्टोर पैलेट है, और ये हाइलाइटर वाला भी है, ठीक है। इससे हाइलाइटर, कॉन्टोर और ब्लश तीनों चीज़ें हो जाएंगी। और ये जो पैलेट है, इसका नाम है श्रेयॉन, ठीक है, श्रेयॉन कॉस्मेटिक। पता नहीं ये आई थिंक इसकी पता है पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, इसकी बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है। मैंने अभी यही ब्लश लगा रखा है और इस मेकअप लुक को बहुत टाइम हो गया है गाइज़। मैंने वीडियो भी शूट कर ली, मैंने अपने ब्यूटी शॉट्स भी ले लिए, और मैंने एक वीडियो और बना ली है जिसमें आप ये ब्लश देख सकते हो, अभी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लगा है। पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है इस पैलेट की, ठीक है। तो ये पैलेट कुछ इस तरीके से दिखेगी, और इसको ओपन करने के बाद दिखने में बहुत प्यारी लग रही है ये पैलेट। तो आप देख सकते हो, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये ब्लश मिलेगा, ये दो हाइलाइटर हैं आपको यहाँ पे, और ये दो हाइलाइटर मिलेंगे, ये और ये ब्लश है, ये कॉन्टोर है। बाकी ये पाउडर की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई भी चीज़ की तरह यूज़ कर सकते हो, इसको कंसीलर वगैरह की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये पूरी पाउडरी पैलेट है, ठीक है। बाकी मुझे बहुत अच्छी लगी ये पैलेट, इसका पिगमेंटेशन वगैरह बहुत अच्छा है। मैं आपको ये वो पिंक वाला दिखाती हूँ, देखिए देख रहे हो ना, एक बार में ही कितने अच्छे से निकल के आया। मैंने लगाया है ये वाला ब्लश, ठीक है, ये पीच वाला जो ब्लश है वो, तो आप देखो इसको, है ना, बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा है इसका ब्लश है, सारे ब्लश बहुत अच्छे हैं इसके, और पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये हाइलाइटर आप देख सकते हो, ये है हाइलाइटर, आपको इतने अच्छे से नहीं दिख रहा बट बहुत अच्छे से पिगमेंटेशन है। और इसका जो प्राइस था, प्राइस के अकॉर्डिंग ये पैलेट बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, ये है मेरा परफ्यूम, ठीक है, ये मैंने परफ्यूम मंगाया है, ये है पिंक बेरी का परफ्यूम, और इसका प्राइस 500 के अराउंड है कुछ, आप लोगों को पिक प्राइस दिख जाएगा। और ये फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है गाइस। और इसके साथ ना आपको ये छोटा सा ये मिलेगा, या तो आप इसको टेस्टर बोल सकते हो, या फिर आप इसको पॉकेट परफ्यूम भी बोल सकते हो। इसकी इसमें सेम वही है जो इसमें है, ठीक है, ये पॉकेट परफ्यूम की तरह है कि आप पूरा नहीं ले जा सकते, तो आप इसको ले जा सकते हो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
और आपको अंदर से ना ये इस तरीके से बॉटल मिलेगा। देखो इसकी बॉटल बहुत क्यूट है गाइस, बहुत क्यूट बॉटल है। इसकी पैकेजिंग ही देख, पैकेजिंग ही आप देख सकते हो पिंक और वाइट में है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप देखो इसकी पैकेजिंग, ये देख रहे हो ना, बिल्कुल पिंक 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 सी, बहुत अच्छी। इसकी फ्रेगनेंस गाइस, ओ माय गॉड, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी। मैंने तो पूरे इसको 5 स्टार दिए हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी। लॉन्ग फ्रेगनेंस है, काफ़ी टाइम तक आपकी बॉडी से इसकी फ्रेगनेंस नहीं जाती है, और वॉश भी कर लेंगे ना आप कपड़े को तब भी इसकी फ्रेगनेंस नहीं जाने वाली है। जी हाँ गाइस, हल्की फुल्की रह जाती है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो ये इसकी फ्रेगनेंस, ओ बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है गाइस, और सिर्फ 500 के अराउंड है, तो आप इसको ले सकते हो इतनी अच्छी फ्रेगनेंस के साथ, और इतने कम प्राइस में आपको परफ्यूम नहीं मिलेंगे। तो फटाफट से ले लीजिएगा, लिंक आपको मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद ये है एक छोटा सा आइटम, ठीक है, ये छोटा सा आइटम है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये है जो आप आईलैश का जो कर्ल होता है ना, उसकी जो रबर होती है वो अगर टूट जाती है तो आप उसको ऐसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ये रबर मिली है मुझे, एक्स्ट्रा मैंने मंगवाई है। मेरा जो आईलैश कर्लर था ना, वो उसकी रबर जो थी वो कट गई थी, उसको कम से कम 3-4 साल हो चुके हैं मेरे आईलैश कर्ल को। अब जाके उसकी रबर कटी है, वो वेगा का है, ठीक है, वेगा का है, इसलिए कंपनी का है तो आई थी है ना इसलिए। और ये कोई कंपनी का नहीं है, बस की रबर मेरे को मिली है। इसमें दो थी, एक मैंने उसमें लगा ली है और एक ये है, एक रबर मैंने यूज़ कर ली है और एक ये रबर है, तो दो रबर आई थी आईलैश कर्ल की। आपको पूरा आईलैश कर्ल नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी रबर टूट जाती है, कट जाती है या खो जाती है, तो आप इस तरीके से ये रबर भी मंगवा सकते हो। आप देख सकते हो ईजी रहता है, जैसे उसकी रहती है वैसे ही आप इसको अच्छे से उसमें फिट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको अपना आईलैश कर्ल दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरा आईलैश कर्ल जिसको मैंने यूज़ किया है, जिसमें मैंने ये रबर लगाई है, अभी न्यू रबर लगाई है। इसमें रबर काफ़ी टाइम तक चलती हैं, और मेरी पहले वाली रबर टूट गई थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम कर रही थी। वो टूट गई थी क्योंकि वो वेगा की थी, ठीक है, ये मेरा वेगा का कर्लर है। तो ये आइटम था, बहुत अच्छा आइटम है, आपको पूरा नया कर्लर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है ये है वेगा का 3-in-1 स्ट्रेटनर, हेयर स्ट्रेटनर है गाइस, और ये मेरे पास था ही नहीं, ना मेरे पास स्ट्रेटनर था, ना मेरे पास कलर था, ना ही मेरे पास क्रिम्पिंग का कोई भी रॉड वगैरह थी, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट है, पहली है, और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एंड मैंने इसको यूज़ कर लिया है। अभी जो आप मेरे बाल स्ट्रेट देख रहे हो, मैंने इसी के साथ किए हैं, बहुत अच्छी लगी मेरे को ये। तो आप ओपन करने के बाद देख सकते हो अंदर से आपको ये रॉड मिलेगी, और आपको इसमें वारंटी के कार्ड भी मिलता है, ठीक है। और ये आपको वेगा का, इसमें ये पॉलिथिन के साथ आया था, पॉलिथिन के अंदर ही है, ठीक है, क्योंकि मैंने यूज़ कर लिया है इसको। तो आप देख सकते हो ये 3-in-1 है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये स्ट्रेटनर मिल रहा है, ये स्ट्रेटनर के लिए है। उसके बाद आप इस यहाँ पे आपको ये बटन मिल रहा है, ये वाला, इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, पूरा प्रेस करेंगे तो पीछे का क्रिम्पिंग खुल जाएगा और ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये क्रिम्पिंग के लिए है, आप देख रहे हो, इससे आप क्रिम्पिंग कर सकते हो। मैंने क्रिम्प करके देखे, ट्रायल मारा था जब ये आया था, तब बहुत अच्छे से क्रिम्प हुए थे बाल। उसके साथ भी एक मेकअप लुक शेयर करूँगी। फिर आप इसको बंद कर देंगे, और ये जो बटन है इसको बीच में कर देंगे, दोनों तरफ इक्वल रखना है आपको, ठीक है। दोनों तरफ इक्वल रखेंगे तो आपका रोलर चल जाएगा ये, ठीक है, आपका रोलर हो जाएगा ये आपके बाल कर्ल करने के लिए, ठीक है। आप इससे बालों को कर्ल भी कर सकते हो। तो ये 3-in-1 है, मैंने सोचा कि अलग अलग पैसे डालने से अच्छा है कि 3-in-1 ही मंगा लो। और इसका प्राइस है कुछ 1229 कुछ करके इसका प्राइस है, आपको दिख जाएगा साइड से। और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ मिल जाता है, और इसमें हीट का कोई टेंशन नहीं है, इसमें हीट अपने आप से आएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको हीट कम या ज़्यादा करना है, ठीक है। इसमें कम ज़्यादा का कुछ भी नहीं है, आपको इतना लंबा ये वायर मिल जाएगा, और आपको इसके साथ वारंटी का कार्ड मिल जाता है, तो आप 1 साल की वारंटी है इसकी, तो आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। वेगा का है ये, ठीक है, ये भी कंपनी का है, वेगा का है, ठीक है। तो बस मैंने ये मंगवाया है, मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने ये मंगाया, और मैं बोलती हूँ कि ये 1200 में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप लोगों को चाहिए, आपके पास नहीं है, है भी अगर आप लोगों को फिर भी चाहिए ना, तो लिंक आपको मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप परचेज़ कर लीजिएगा। तो गाइस बस यही था मेरा आज का फ्लिपकार्ट हॉल, आप लोगों को पसंद आया हो तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ये जो फ्लिपकार्ट हॉल है, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को कर दीजिएगा शेयर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर एंड फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा।
तो गाइज मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।